वेलकम गाइस, रियलमी का फ़ोन, इसको हम FRP कर रहे हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है जब हम FRP करते हैं, जैसे कि आपकी प्रोसेसिंग जो अभी लेटेस्ट चल रहा है तो वो हमारा प्रोसेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, हम जो वॉल्यूम अप डाउन हो गया और साइड में ऑप्शन हो गया ये सब, तो मैं बताता हूँ कैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम चलते हैं, इसको हमने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो है गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो चार्जिंग मेरी कम हो रही है, कहीं डाउन ना हो जाए तो मैं इसमें चार्जर लगा देता हूँ। चार्जर V8 वाला है, मैंने टाइप सी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, रहने देता हूँ। और तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम अप डाउन वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है, ओके यस दबा दे देना है व्हाट्सएप। अब यहाँ पे हम उल्टा एल बनाएंगे ना, वॉइस कमांड नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग सेटअप। ठीक है, ये मैसेज दे रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम अप डाउन दबा के हम इसे क्लोज कर देते हैं, बैक जाएंगे। अब यहाँ पे रियलमी स्मार्टफोन यूजर एग्रीमेंट, इस पे जाते हैं। यहाँ पे वाइट डॉट है गोल सर्कल का, नीचे जाएंगे तो ये ऑप्शन भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ये देख रहे हो, ये ऑप्शन भी हमारा लॉक है। तो ज़रूरी नहीं है अगर सारे रास्ते बंद हो तो सभी रास्ते बंद है, आप कर नहीं सकते, कोई ना कोई रास्ता खुला होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी वर्क नहीं कर रहा। अब बैक जाएंगे, ये आ गए हम बैक। अब आपको जो है एक सिम चाहिए जिसके अंदर लॉक लगा हो, पिन लॉक। ठीक है, ये हमारा पिन लॉक वाला ऑप्शन है, तो हम इस पे जाते हैं। ये हमारा पिन लॉक वाला ऑप्शन खुल गया। एक पासवर्ड बुक था, मैं एक सेकंड, तो यहाँ पे थे हम, तो ये सिम लॉक है। ठीक है, अब आपको जो है इसका जो सिम लॉक है वो डालना है। अब ये ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ से आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है। अब जो है हम इसकी सिम लॉक निकाल लेते हैं। ओ सिम, चलो सिम लगी रहने देते हैं, आगे शायद काम पड़े। तो यहाँ से हम इस पे जाएंगे, इसको काट देते हैं। अब इसको रीड करेंगे, ये देखो, इसको ऐसे प्रेस करते रहना, जब तक ये प्रेस करते रहना जहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन ना आ जाए आपके पास। ठीक है, मेरा यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ गया। ये अभी आ रहा है, अनलॉकिंग हो रहा है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है ड्राइव पे जाते हैं, चलो ड्राइव पे ट्राई करते हैं। ड्राइव आ गया, परमिशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐप सर्च कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है जाने के लिए, बस थोड़ा माइंड की ज़रूरत है। मैंने भी ये जो है अभी खुद ही अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा ऐप आ गया। वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, मैं जो अभी पासवर्ड देख रहा था वो मैं देख रहा था उस चीज़ का कि यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑप्शन आ जाता है, तो उससे पहले हमारा यही आ गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐप इन्फो में चले जाएँगे। ये ऐप इन्फो आ गया। अब हम यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, क्रोम ओपन करके देखते हैं एक बार, नहीं तो इसकी जो है हम सर्विस भी लॉक कर देंगे, सर्विस से भी शायद हो जाएगा। ये ओपन का ही ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। नो थैंक्स। सबसे पहले आप जो है इसके अंदर स्क्रीन लॉक सेट करके देखना, अगर यस आई एम आ जाता है तो आपके जो है
ये हो गया है, अगर नहीं आता तो हम इसको, ये नहीं लिया इसने, तो इसको जो है हम ये सेटअप ओपन नहीं कर रहा है। ये देखो सेटअप ओपन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको हार्ड रीसेट कर नहीं सकते। तो हम बैक जाएंगे जहाँ से हमने इसको ओपन किया था, ज़्यादा चलेगा, चलो इसमें जाते हैं। यहाँ पे जो है हमें सॉल सिस्टम ऐप कर देना है। अब इधर जो है हमें एक्सेसिबिलिटी में जाना था पहले, सॉरी, तो सिस्टम सेटिंग के अंदर जाना है हमें, वहाँ पे जाके सिस्टम सेटिंग कहाँ गई इसकी, मैंने पहले ही ऑल कर दिया, सॉल कर दिया, ये रहा इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा, तो वहाँ से हम एंटर नहीं कर रहे थे, वैसे यहाँ से हो गया हमारा एंटर, रियलमी C30 कोई सा भी मॉडल है उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिबिलिटी यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाना है हमें, ये रहा मेन्यू, ये आ गया, ठीक है, यहाँ से बैक कर लेंगे। इसमें जो एक मिनट देखता हूँ मैं, रीसेट वाला ऑप्शन देख रहा हूँ, इसलिए मैंने आई मेन नंबर आया था, तो सिक्योरिटी सिस्टम मेरा रीसेट ऑप्शन, यहाँ पे हम रीसेट ऑल फैक्ट्री मार देते हैं। अगर नहीं होता तो मैं दोबारा से करूँगा इसको, देखते हैं अगर इससे हो जाता है तो। अच्छा, चार्जिंग बोला 30% है, मेरे को डाटा केबल लगानी पड़ेगी, डाटा केबल वैसे लगा नहीं रहा था मैं, उसने मैसेज दे दिया 30% का, तो डाटा केबल लगानी पड़ेगी सर। हो गया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अगर आप गूगल पे चले गए या सेटिंग ओपन कर ली, तो उसके बाद तो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है आपके आ जाते हैं, बस आपको करने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए कि आपको किस तरीके से करना है फ़ोन अनलॉक, वैसे हो जाते हैं, थोड़ा माइंड लगता है और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर ये हो गया, इसमें पहले फारपी आ रही थी, अब देखते हैं हम इसको आगे प्रोसेस करके। अच्छा, सिम अभी भी लगी हुई है इसमें, सिम निकाल देंगे। पासवर्ड डालना पड़ेगा लग रहा है। देखते हैं
अगर नहीं हुआ तो फिर हमें जो है सिस्टम को जो सेटअप है वो हमें करना पड़ेगा स्टॉप, तब जाके ये होगा। क्योंकि ऑफलाइन वाला ऑप्शन आया है इसमें, इसको जो है हमें शायद उसी तरह से करना पड़ेगा, या फिर दोबारा से हम जाके वहाँ पे अपना पासवर्ड लॉक सेट कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड लॉक सेट करने से भी जो है ये हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है अपडेट में। डोंट कॉपी, वीडियो पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जा आ गया, ये फिर से आ गया। तो यहाँ से हम फिर से वही आ गया, तो फिर से सिम ट्रे लगाएंगे, वही ऑप्शन करना पड़ेगा हमें। अब मेरे ख्याल से ये जो पासवर्ड है ये हमारा ले लेगा, और जो वहाँ पे हमने सिम लॉक का करा था। गेट स्टार्ट, गए थे ड्राइव में परमिशन, फिर ऐप में गए थे, सिम निकाल लेते। ऐप इन्फो, नहीं लिया, तो हमें वही सेटअप करना पड़ेगा। नीचे जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑन कर लेंगे। यहाँ पे 100 ऑल कर देंगे। अब जो है हमें एंड्रॉइड सेटअप फॉर स्टॉप कर देंगे, एंड्रॉइड सिस्टम इसको भी फॉर स्टॉप कर देंगे। करियर आएगा उसको भी कर देंगे, करियर नहीं आया, ये रहा करियर सर्विस, डिसेबल फॉर स्टॉप, बैक जाएंगे। अब हमें जो है यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस, ये आपने देख रखा होगा, डिसेबल फॉर स्टॉप, और गूगल प्ले स्टोर डिसेबल और फॉर स्टॉप। अब हम बैक कर लेंगे इसको पूरा। यहाँ देखो कहीं ऑफलाइन आ रहा, ऑफलाइन नहीं आ रहा। डोंट कॉपी, सिम निकाल लेते हैं, सिम की कोई जरूरत नहीं है अब हमें।
यहाँ पे ये स्किप का ऑप्शन आ गया सीधा। तो गाइस ये देखें, ये हमारा जो हो गया है, अब इसको आप हार्ड रीसेट मार लें क्योंकि इसकी सारी सर्विस जो है वो अभी बंद हो रखी है, मैसेज आ रहा है। तो हम इसमें सेटअप में जाएंगे और आपको जो है यहाँ पे सिस्टम में फोन रीसेट, यहाँ पे इसकी इसको सारा कर देना और आपका फ़ोन अनलॉक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।